हे ऑल कुकोलिक्स डे, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ झटपट बनने वाले स्नैक्स जो कि आप बहुत ही जल्दी बना सकते हैं और सबको इम्प्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्नैक है हमारा क्रिस्पी कॉर्न। आइए जल्दी से देखते हैं इसकी रेसिपी। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 2 कप स्वीट कॉर्न। इसमें हम ऐड करेंगे 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर और इसे अच्छे से कॉर्नफ्लावर से कोट कर देंगे। अगर जरूरत लगे तो आप थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं बाइंडिंग के लिए। सारे स्वीट कॉर्न को अच्छे से कोट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे मीडियम लो फ्लेम पे डीप फ्राई करेंगे। जब आपके कॉर्न क्रिस्पी हो जाए इसे ऑयल से निकाल लीजिए और अलग रखिए। अब हम लेंगे दूसरा पैन, उसमें लेंगे तेल, थोड़ा सा क्रश किया हुआ गार्लिक, थोड़ा सा चॉप किया हुआ अदरक, 4 से 5 हरी मिर्चें चॉप करी हुई और इन सभी चीजों को हम सौते कर लेंगे। जब हमारा ये सारा मसाला पक जाएगा तब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा प्याज, नमक 1/2 चम्मच, फ्लेवर के लिए 1/2 चम्मच अजीनोमोटो, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। 2 चम्मच जितना पानी ऐड करेंगे मसाले को कुक करने के लिए। 2 से 3 मिनट बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे फ्राइड स्वीट कॉर्न्स। अच्छे से मिक्स करेंगे। और लास्ट में फिनिश करेंगे कटी हुई धनिया पत्ती से। चलिए एक रेसिपी हमारी बनके तैयार है। अब हम देखते हैं हमारी दूसरी रेसिपी जो है सबका फेवरेट और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोटैटो टोर्नेडो। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक ऐसा लॉन्ग टूथपिक या वुडन स्क्यूअर और मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ बेबी पोटैटोज। अब अगर आपके पास बेबी पोटैटोज नहीं है तो आप बड़े आलू से भी ऐसा कर सकते हैं। तो स्क्यूअर में मैंने डाल दिया मेरे बेबी पोटैटो को। अब मैं क्या करूँगी, इसे नाइफ की हेल्प से स्लाइस करूँगी। ध्यान रहे आप हर एक स्लाइस पूरा कट नहीं कर रहे हैं और स्पाइरल शेप में इसे कट कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि आपका आलू पूरा एक ही रहे पर वो स्लाइस भी हो जाए। तो उसको गोल गोल घुमाते हुए, पूरा एक स्लाइस नहीं करते हुए, हमें इसे एक सर्कुलर जिगजैग स्लाइस करना है। धीरे धीरे आराम से हम इसके सारे लेयर्स खोल लेंगे। ध्यान रहे ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज है तो आप इसे बहुत ही धीरे और आराम से करें। ये देखिए हमारा टोर्नेडो बनके तैयार है। इसी तरह मैंने सारे टोर्नेडोज बना लिए हैं। अब हम बनाते हैं इस पे स्प्रिंकल करने का मसाला। तो यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा चाट मसाला और थोड़ा सा नमक। इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और इसे रखेंगे साइड पे। तब तक हम हमारे पोटैटो टोर्नेडोज को फ्राई कर लेते हैं। तो इसे भी आपको मीडियम लो हीट पे ही फ्राई करना है। ध्यान रहे आप ज्यादा फ्राई करके इसे जला नहीं रहे हैं और थोड़ी थोड़ी देर पे हम इसे टर्न कर देंगे। कुल 2 से 3 मिनट लगते हैं इसे फ्राई होने में और ये बहुत ही अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं। अब जो हमने मसाला बनाया था वो हम इस पे स्प्रिंकल कर देंगे। तो हमारा ये देखिए दूसरा स्नैक भी कितना इजी था, पोटैटो टोर्नेडो बिल्कुल जल्दी से बन के तैयार हो गया है। बच्चों को बहुत पसंद आता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है।
एक चीज का ध्यान रखें, जब आप इसे स्लाइस कर रहे हैं तो ज्यादा पतला या ज्यादा मोटा स्लाइस नहीं करें, मीडियम स्लाइस करें। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारी तीसरी रेसिपी पे, जो कि है एक फ्यूजन रेसिपी। हम यहाँ पे बनाएंगे आज खीचू पॉप्स या खीचू पॉपकॉर्न। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं खीचू। खीचू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप पानी। उसमें मैं डाल रही हूँ साबुत जीरा, साबुत अजवाइन, 1 चम्मच जिंजर क्रश किया हुआ या फिर पेस्ट, नमक, और इन सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। जैसे ही इसमें बॉईल आएगा हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप चावल का आटा और इसे अच्छे से कुक कर लेंगे जब तक ये डो की कंसिस्टेंसी का नहीं बन जाता है। उसके बाद हम इसे ढककर स्टीम करेंगे 5 मिनट के लिए और 10 मिनट इसे होने देंगे रेस्ट, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और हम इससे काम कर सकें। ये देखिए हमारा डो यहाँ पे ठंडा होके रेडी हो गया और कितना स्मूथ डो बना है। इसे इस तरीके से हम डिवाइड करके ऐसे छोटे छोटे बॉल्स में आपको इसे शेप करना है। ये देखिए मैंने सारे बॉल्स बना के यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। अब हम लेंगे 1/2 कप कॉर्नफ्लेक्स और उसे कर लेंगे अच्छे से क्रश मिक्सर ग्राइंडर में। अगर आपके पास कॉर्नफ्लेक्स नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पॉपकॉर्न्स अच्छे से कोट हो गए हैं कॉर्नफ्लेक्स से। अभी इसे भी हम डीप फ्राई करेंगे। उसके पहले हम इसके लिए बना लेते हैं एक स्प्रिंकलिंग मसाला। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच टमाटो पाउडर, 1 चम्मच अनियन पाउडर, 1 चम्मच गार्लिक पाउडर, 1 चम्मच ग्रीन चिली पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच शुगर पाउडर। और यहाँ पे ये है मेरे पास नींबू फूल या फिर नींबू शहद जिसको आप बोलते हो, इसको भी हमें पाउडर कर लेना है। और ये ध्यान रहे आप बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं, तो ये मैंने 1/4 चम्मच ही यूज़ किया है। और इसके साथ इसमें ऐड कर देंगे हम 3 से 4 चम्मच चीज़ पाउडर। तो लास्ट जो हमारा नाचोस का वीडियो था उसमें सब ने बहुत पूछा था कि नाचोस का मसाला हम कैसे बनाते हैं, तो ये है आपका नाचोस का मसाला जो आप बना के रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो और कभी भी यूज़ कर सकते हो। चलिए अब हम फ्राई करते हैं हमारे खीचू पॉपकॉर्न्स को। तो इसे भी आप मीडियम स्लो हीट पे फ्राई करेंगे जब तक आपके पॉपकॉर्न्स अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं। ये देखिए हमारे पॉपकॉर्न्स बन के यहाँ पे तैयार हैं। अब जो मसाला हमने बनाया था चीज़ मसाला या नाचोज़ का मसाला, वो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। गाइस अगर आपके पास अभी ये सारे मसाले अवेलेबल नहीं हैं तो आप सिंपल चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब बारी आती है सर्विंग की। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे शॉट ग्लासेस लिए हैं और इस पे मैंने सारे हमारे जो भी अमेजिंग इंटरेस्टिंग स्टार्टर्स है वो सर्व कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।